Hello everyone. So today's topic, or you could say subject, is about Sushant Singh Rajput. Recently जब से उनका उन्होंने suicide किया है, हर कोई shock में है. मतलब बातें, मतलब एक कहते हैं ना, एकदम सब शांत थे, एंड सडनली कुछ होना, उसके बाद जिस तरह से बातें फैलती हैं, एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, इस तरह बाहर आ रही हैं, क्योंकि हर कोई परेशान है कि वजह क्या है उनके इस एक्शन की, मतलब इस सुसाइड की. क्योंकि उन्होंने कोई नोट भी नहीं छोड़ा है जिससे पता लगे कि भाई वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं. कोई ऐसा भी नहीं है बोलने वाला कि वो वजह बताए कि सुशांत ने ये बोला, ये वजह है, मतलब किसी किस्म की कोई बात बाहर नहीं आ रही. अब क्या हो रहा है, जो चीज़ें पहले लोगों को पता हैं या पहले से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सामने आ रही हैं. और इसी तरह ये बात भी सामने आई कि बॉलीवुड के, मतलब यशराज, ये करण जौहर जो हैं, और ये सलमान खान और बालाजी एंड ऑल, इन सब ने बायकॉट कर दिया था. और जब उनके वो मूवी आई थी सेंचुरिया, वो मूवी का भी मतलब उस टाइम पे वो अपने फैंस को जो उन्होंने बात कही उस बेस पे के अगर आप मेरी मूवी नहीं देखोगे तो ये मुझे बॉलीवुड से निकाल देंगे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है एंड ऑल टाइप ऑफ स्टफ. तो मैं रीड करती हूँ उन्होंने जो अपने किसी फैन के उस पे लिखा था. अरे बट इफ़ यू डोंट वॉच इट देन दे वुड थ्रो मी आउट ऑफ बॉलीवुड. आई हैव नो गॉड फादर. आई हैव मेड यू ऑल माई गॉड्स एंड फादर्स. वॉच इट एट लीस्ट इफ़ यू विश आई डू सर्वाइव इन बॉलीवुड. मच लव एंड रिगार्ड्स. तो ये एक जो आर्टिकल है जो कि आई थिंक इंडिया टाइम्स में आया है, और उसमें जिस तरह से हर चीज़ को कलेक्ट किया गया है, जिस तरह से शेखर कपूर ने जैसे कहा कि आई न्यू द पेन यू वर गोइंग थ्रू, आई न्यू द स्टोरी ऑफ द पीपल दैट लेट यू डाउन सो बैड दैट यू वुड वीप ऑन माई शोल्डर. आई विश आई वॉज अराउंड द लास्ट 6 months. आई विश यू हैड रीच आउट टू मी. वॉट हैपन टू यू वॉज देयर कर्मा नॉट योर्स. मतलब एक इंसान के ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया, इतना उसको तंग किया गया कि वो ये फैसला करने पे मजबूर हो गया और अपनी जान दे दी. तो बॉलीवुड में, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हूँ ये बात जान के कि सारे लोग एक होके किसी भी नए को या किसी भी ऐसे को जिसका कोई पीछे नहीं है उसको इस तरह से तंग करते हैं. मतलब आप इतने पावरफुल हो गए हो, आपने इतनी पावर अपने अंदर ले ली है कि आप सब एक ग्रुप हो जाते हो, और फिर उसके बाद एक नए टैलेंट को इस तरह से परेशान करते हो कि वो अपनी जान ले ले. मैं शॉक हूँ ये जान के कि सलमान खान, ये करण जौहर, ये सब मिलके ये इस तरह से सुशांत को, मतलब उन्होंने परेशान किया उन सब ने एक होके. और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगी. मतलब स्टिल आई एम वेरी शॉक टू नो कि ये इंडस्ट्री ऐसी है. आप अपने को फिर बीइंग ह्यूमन एंड ऑल सब क्या है, आप तो ह्यूमन ही नहीं हो. आप तो किसी इंसान को अपनी ताकत दिखा रहे हो और उसको बोल रहे हो अगर हमारे से, मतलब अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारी इस जगह ही नहीं है. इतने पावरफुल हो आप कि आपको किसी का कोई डर नहीं है, आपको किसी का कोई खौफ नहीं है. ये अभी जो सुशांत के साथ हुआ ना, अब ये जो है ना वो आई ओपनर है. मतलब अगर अब लोगों ने इससे नहीं सीखा या अब लोगों ने इनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत लोग, टैलेंटेड लोग अपनी लाइफ को खोएंगे. तो मुझे लगता है कि ये बहुत रॉन्ग है और इसके अगेंस्ट सबको अब खड़े होने का टाइम है. सुशांत तो चला गया, उसके फादर ने एक बेटा खो दिया. मतलब आप इतने ताकतवर थे कि आपने इतना परेशान कर दिया उस लड़के को, ये भी नहीं सोचा कि उसके भी आगे पीछे लोग हैं रोने हंसने. दैट्स रियली सैड.
That's really sad reality of Bollywood and I'm way too shocked. नहीं पता अब ये कितने राज और खुलेंगे, नहीं पता कि कितना कुछ अभी हमारे सामने और आने वाला है. और बहुत सी चीज़ों का मतलब हो रही थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट जब मेरे सामने आई तो मुझे बहुत हैरत हुई. मैं भी एक मीडिया चैनल रन करती हूँ, छोटा है जैसा भी है, हम खुश हैं उसके साथ. वो यूट्यूब पे है, हम वो रन करते हैं, हम खुश हैं कि हम अपने मर्जी से अपना काम कर रहे हैं, हमें जो करना है हम खुशी से कर रहे हैं, हम उसमें खुश हैं. पर बहुत सों के बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत और आगे तक जाना चाहते हैं. तो आप की इस तरह का वेलकम करते हो आप न्यू टैलेंट को, और फिर वेलकम करने के बाद अगर आपका आपको ना कहा तो उसकी कोई जगह नहीं है, ऐसा आप उनको मतलब बताते हो, ये तरीका है आपका. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक और ये सब बातों से अपसेट होंगी. कंगना रनावत ने जो बोला गलत नहीं बोला, माना कि वो बहुत बार शायद आती है चीज़ें सामने करती है तो कभी बुरा भी लगता है कि टू मच नहीं बोलना चाहिए, बट कभी वो गलत नहीं भी होती है क्योंकि आप इस तरह से कर रहे हो और हर एक के साथ कर रहे हो. और पर आप फिर भी अच्छे हो, आप अच्छे लोग हैं. जो लोग आपकी वाह वाह करें या आपके चापलूसी जिसे कहते हैं मैनिपुलेट करें, वो सही हैं आपके लिए. पर जो अपने टैलेंट मतलब टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, तो फिर क्यों ढूंढ रहे होते हो, फिर क्यों करते हो टैलेंट शोज और ये इंडियन आइडल्स और ये सारी चीज़ें करते क्यों, क्यों ढूंढते हो पूरे इंडिया में टैलेंट जब उन टैलेंट की तुम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो. तुम जगह उन्हीं को देते हो जिनका कोई बाप दादा को तुम जानते हो या उसकी कोई जगह है. दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट्स रियली रॉन्ग. आई थिंक सुशांत ने जो किया ना, उसने अपनी जान तो खोई लेकिन उसने हजारों को बता दिया कि ये इंडस्ट्री कितनी खराब है. आप लोग गलत का साथ देते हो क्योंकि उनके बाप इंडस्ट्रीज में हैं, वो आपके फ्रेंड हैं या जो हैं, आप उनका साथ दोगे क्योंकि वो आपके फ्रेंड है, पर आप सही का साथ नहीं दे रहे हो, आप गलत का साथ दे रहे हो. और उनको और गलत करने के लिए आगे उनको बता रहे कि और गलत करो तुम. आई एम सलमान खान फैन एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड हिम इवन जो भी हुआ. मुझे हमेशा रहा कि नहीं सलमान ने गलत किया, तो सलमान खुद को सही करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अब ये इतनी चीज़ें अच्छी कर रहा है. बट क्या फ़ायदा आपकी इतनी अच्छी चीज़ों का, आप ये सब करने के बाद भी आप अंदर इतने ज़्यादा किसी को प्रेशराइज कर रहे हो, तकलीफ़ कर रहे हो, अगर ये बात सच है तो, अगर सलमान खान इसमें इन्वॉल्व है तो. मगर अगर वो नहीं है तो अच्छी बात है, बट अगर वो है, क्योंकि उधर उसका नाम भी लिखा है सलमान खान का, करण जौहर का, वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो विच इज़ रॉन्ग एंड आई एम वे टू अपसेट. क्या कर रहे हैं ये बॉलीवुड में लोग, ये है आप लोग. सुशांत तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन आई थिंक अब लोगों को जो है ना खड़े होना है इन सब के अगेंस्ट, और इनको बॉयकॉट, इनकी मूवीज करनी है, इनका वर्क को बॉयकॉट करना है, वेदर इट्स ऑन वेब सीरीज, वेदर इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, वेदर इट्स ऑन यूट्यूब, वेदर इट्स ऑन थिएटर, और वेदर इट्स Anywhere, we all have to boycott. Whether it's Yashraj, हमने इन लोगों को इज्जत दी, इनके काम को इतना वो दिया. ये ऑडियंस है, ये लोग हैं, व्यूवर्स हैं जो आपको बनाते हैं. तो आज आप इतने ताकतवर हो गए कि आप किसी भी टैलेंट को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो. Very sad. I am way too upset. और मेरे अपसेट होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें लोग सामने ला रहे हैं, लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं कि आपने एक एक
सुशांत का खून नहीं किया, आपने कितने सारे सुशांत और कितने सारे उसके जैसे टैलेंटेड लोगों का खून किया है। और आप अगर आज इन आपको नहीं रोकेंगे तो आप कितनों का करोगे? अब आपको डिसाइड करना है, ऑडियंस को डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहती है। अब भी टाइम है इनके अगेंस्ट खड़े होने का, इनको इनकी जगह बताने का। कब तक ये पैसा रहेगा? पैसा तो रहने वाला है नहीं। आपने अगर इनका देखना बंद कर दिया तो इनका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर इनके पास अपने को सही करने का नहीं है तो हमारे पास बस यही एक रास्ता है कि हम इनके मूवीज, इनका कंटेंट देखना ही बंद कर दें और खरीदने वाला खरीदना ही बंद कर दें। वेरी सैड। अब सुशांत से लेके जो जो बातें आती रहेंगी और मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वैसे भी मुझे गलत लोग, गलत बात करने वाले लोग बिल्कुल ना पसंद है। और आज तक तो मैं स्टैंड नहीं लेती थी, बट नाउ आई थिंक आई सपोज टू स्टैंड, आई सपोज टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम। मैनी पीपल लाइक मी शुड स्टैंड, शुड टॉक एंड शुड बायकॉट ऑल दीज पीपल ऑफ बॉलीवुड और प्रोडक्शन हाउसेस हु इज डूइंग रॉन्ग। Thank you.